हाय एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे एमपी एनएचएम के द्वारा अभी आपने लेटेस्ट में एग्जाम दिया था सीएचओ पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जारी कर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं ये जो अपडेट जारी की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन एंड आंसर कीज के बारे में। तो ये अपडेट जो अभी जारी की गई दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इस अपडेट को। तो वीडियो से जुड़े रहें, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो अपडेट अभी लेटेस्ट में जारी की गई है, अपडेट ऑन अप्रैल 26, 2022। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसको क्लैरिफिकेशन एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन इस पेज को पोस्ट को क्लिक करके पढ़ लेते हैं और सारी जानकारी को देख लेते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें और यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया है प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग ऑब्जर्वेशन, तो सो इसको क्लिक करके अपन पढ़ लेते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसको अपन क्लिक करके देख लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका मोबाइल में, यदि आप मोबाइल इस तरह से देख रहे हैं इस स्टेट में, इस तरह से बराबर व्यू नहीं दिखे, तो आप मोबाइल को इस तरह से लेटरल कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये दोस्तों यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं बहुत स्मॉल वर्ड में लिखे हुए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से मोबाइल करके देखना है ताकि क्लियर दिखे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसको क्वेश्चन आंसर को, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन कंक्लूजन विथ रिकमेंडेशन ऑन क्वेश्चन एंड आंसर कीज फॉर द पोजिशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सीएचओज एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएस एनएचएम एमपी राइट एंड टेस्ट हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2022 इन 2 शिफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्यूरी बाई कैंडिडेट लगाए गए थे, तो शिफ्ट फर्स्ट के लिए लगाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें 61 क्वेश्चन नंबर में था कि इफ योर बीएमआई इज 25.02 लेस देन 30 इट फॉल विथ इन द, तो यदि आपका बीएमआई 25 से 30 से नीचे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो क्यूरी बाई कैंडिडेट लगाया गया तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, लेकिन जो यहाँ की क्लेरिफिकेशन कमेटी के अध्यक्ष लोग थे उन्होंने क्या बोला, द रिव्यूज कमेटी रिव्यूड एंड कंडक्टेड दैट देयर वाज नो एरर इन द क्वेश्चन एंड आंसर कीज ऑप्शन आई डी 243243 इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन, हेंस द रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड दैट 1 marks शैल बी अवार्डेड टू All candidate who have their response as option ID 243 for the question. तो दोस्तों यहाँ पे जो right answer था ये जो ID है, तो यहाँ पे question के अंदर में जो इसका 43 का right answer है obesity, तो इसका जो overweight है ये right answer यही रहेगा। Next query जो लगाई गई थी ये second shift में लगाई गई थी दोस्तों, question number जो था 51 था second shift का, और यहाँ पे query क्या थी कि which of the following मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेगनेंट मदर टू न्यू बोर्न। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट ने क्या क्यूरी लगाई थी कि नेवरपिन इज करेक्ट आंसर बट नो ऑब्जेक्टिव बी एंड सी करेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो थे बी और सी दोनों यहाँ पे करेक्ट थे। तो यहाँ पे कमेटी रिव्यू क्या बोले कि द ऑब्जर्वेशन बाई द कैंडिडेट एंड कंक्लूडेड दैट मल्टीपल क्वेश्चन आर करेक्ट अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड ऑप्शन आई डी 602 एंड ऑप्शन आई डी 603 हैव बीन रिपीटेड, हेंस रिव्यू कमेटी कंडक्टेड विद इन द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रैपिंग दिस क्वेश्चन एंड अवार्डेड ऑफ 1 marks टू ईच कैंडिडेट हु हैज अटेंडेंट द ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट शिफ्ट सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने कोई भी आंसर दिया है सभी के यहाँ पे 1 marks मिलेगा सेकंड शिफ्ट में 51 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दोस्तों क्यूरी आई है कि व्हेन आंसर इज रॉन्ग, कैंडिडेट के द्वारा ये क्यूरी किया गया था और क्वेश्चन क्या था, आपको अपने वार्ड में रोगियों के रक्तचाप बीपी को निगरानी का काम सौंपा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगी दाहिने हाथ पर बीपी की निगरानी के लिए कप लगाने की प्रविष्टि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिव्यू कमेटी ने क्या बोला कि द रिव्यू कमेटी रिव्यूड एंड कंक्लूडेड द दैट देयर वाज नो एरर इन द क्वेश्चन एंड आंसर कीज ऑप्शन आईडी 676 इज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, हेंस द रिव्यू
committee recommended that one marks shall be awarded to all the candidates who have given their response option ID 676 for the question. तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर में लगाया था आंसर रोगी के दाहिने अंगूठे पर सैचुरेशन प्रोब जुड़ा है, तो इसको जिसने क्लिक किया तो उसको एक मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो क्यूरी लगाई गई थी शिफ्ट फर्स्ट में, विच वायरस इज यूज टू प्रोड्यूस रेबीज वैक्सीन, तो रेबीज का टीका बनाने के लिए किस वायरस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे। अब यहाँ पे जो क्यूरी लगाई गई थी कैंडिडेट के द्वारा, क्या लगाई गई थी, अकॉर्डिंग टू पार्क टेस्ट बुक आप प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन चैप्टर नंबर 5 एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज टॉपिक नंबर 4 जूनेसिस रेबीज वायरस पेज नंबर 277 इज राइट इन द फिक्स्ड वायरस इज यूज टू प्रिपरेशन एंटी रेबीज वैक्सीन, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53 और आई डी 212 इज करेक्ट आंसर रिस्पॉन्डेड सर मैम प्लीज करेक्ट द आंसर गिवेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे कमेटी के द्वारा क्या रिव्यू किया गया है, द रिव्यू कमेटी रिव्यूड द ऑब्जर्वेशन बाई द कैंडिडेट एंड कंडक्टेड दैट मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट अगेंस्ट द क्वेश्चन, हेंस रिव्यू कमेटी कंक्लूडेड विथ द रिकमेंडेशन स्क्रैपिंग दिस क्वेश्चन एंड अवार्डेड टू ऑफ वन मार्क्स टू इच कैंडिडेट हु हैज अटेंडेंट दिस ऑनलाइन राइटन टेस्ट शिफ्ट। अब दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट सेकेंड हो गई है, जबकि यहाँ शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर दिया है सभी के यहाँ पे एक मार्क्स मिलेगा, वन मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्यूरी जो लगाई गई थी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 शिफ्ट सेकेंड का है, इन एंटीनेटल वुमेन कंप्लेंट ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन एंड एचजीसी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्यूरी कैंडिडेट के द्वारा लगाई गई थी कि टाइलेसिस कैन बी हैपन बिकॉज मेनी अदर्स रीजन लाइक हाइपरवोल्यूमिया रोड साइड एक्सीडेंट सीजर्स स्पेसिफिक रीजन फॉर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड टाइलेसिस ग्रेविडियम फर्स्ट एम गिविंग प्रूफ नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वेयर दे मेंशन द स्पेसिफिक वर्ड यूज फॉर प्रेगनेंसी। तो इन्होंने ये बोला कि टाइलेसिस के अलावा जैसे हाइपोवोल्यूमिया हो जाए या रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाए, तो इसकी वजह से भी टाइलेसिस और सलाइवा एक्सेसिव मात्रा में निकलता है। तो रिव्यू कमेटी क्या बोल रही है, द रिव्यू कमेटी रिव्यूड एंड कंक्लूडेड द डेट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन द क्वेश्चन हैज नो रेफरेंस टू अदर डिसीज, हेंस द रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड दैट वन मार्क्स बी अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट हु रिस्पोंडेड ऑप्शन आई डी 534 टाइलेज में फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर जिन्होंने टाइलेज में को लगाया था उन्हीं को सभी को एक मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन में। इन्होंने जो क्यूरी लगाई थी उसको इनकरेक्ट बता दिया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, आल्सो काइंडली रेफर बुक माइलेज टेक्स्ट बुक फॉर मिडवाइफ्स 16 एडिशन इन प्रेगनेंसी एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड टाइलेज में, काइंडली रेफर गिवन इमेज ऑफ ए पार्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फ्यूचर फर्दर रेफरेंस। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय द वीडियो।